जॉब संबंधी अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवजागृति यूट्यूब चैनल में, जहां मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई जॉब की जानकारी। और आज की जॉब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB द्वारा जारी विभिन्न पदों की। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1665 स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर जॉब से संबंधित अपडेट आप डेली पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आपके लाइक और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन होता है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी हिट कर दें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। पोस्ट का नाम जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, चीफ लॉ असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है, लेकिन स्टेनोग्राफर पद के लिए हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है, जिसके स्किल टेस्ट में ट्रांसक्रिप्शन करने का समय हिंदी के लिए 65 मिनट और इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए शैक्षिक योग्यता 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का नेम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB। जॉब लोकेशन इसकी ऑल इंडिया है। एज लिमिट, पदों के अनुसार अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, 33 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष तक हो सकती है। एप्लीकेशन फी SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स को ₹250 और अनरिजर्व्ड OBC मेल कैंडिडेट्स को ₹500। आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या SBI के चालान या पोस्ट ऑफिस की कंप्यूटराइज्ड पे स्लिप के माध्यम से पे किया जा सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसी, इसमें टोटल पदों की संख्या 1665 है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट पर आधारित है। हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailway.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट टू रिमेम्बर, इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 7 अप्रैल 2019 है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज गो टू एडवर्टाइजमेंट लिंक एंड वेबसाइट। इससे अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर जाएं और पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको आवेदन करना भी चाहिए। इसके नोटिफिकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक और अप्लाई का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन और वेबसाइट दोनों ही देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह जॉब की डेली अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।